स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने भी अपने आईफोन को iOS 17 में अपडेट कर लिया है और आपको भी वॉल्यूम चेंजेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कैसे आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। वॉल्यूम चेंजेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में चले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको करना क्या है कि अपने ब्लूटूथ को डिसकनेक्ट कर देना है या फिर आपके ब्लूटूथ में कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। अगर आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होता है तो जो अगला प्रोसेस है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको सिंपल अपने सेटिंग्स में बैक आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपल उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके बॉटम में आ जाना है। बॉटम में आप देखेंगे आपके पास एक हेडफोन सेफ्टी का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो नोटिफिकेशन रहेंगे, हेडफोन नोटिफिकेशन और रिड्यूस लो साउंड, आपको इन दोनों को टर्न ऑफ कर देना है। इसको टर्न ऑफ करने से आपके जो ब्लूटूथ एक्टिविटीज़ हैं वो आपके टर्न ऑफ हो जाएंगे। इससे आपका जो ये प्रॉब्लम है 95% रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप जब यहाँ पे देखते हैं आपका जो वॉल्यूम है यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप वॉल्यूम को अप डाउन नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपका ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आपको इस सेटिंग्स को टर्न ऑफ कर देना है। इसको टर्न ऑफ करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर इन केस ये प्रॉब्लम इन दोनों स्टेप्स के बाद नहीं आपका रिजॉल्व होता है तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ से बैक आ जाना है, सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, आपको अपने आईफोन को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपका जो ये प्रॉब्लम है 100% रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी स्टेप्स मैंने बताया उसको आप फॉलो करके आसानी से इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं।